Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार में थी जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी और बाजार रिकॉर्ड स्तर आज भी हासिल कर गया। हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत आज कमजोर थे। डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। ऊपर से एशियन मार्केट्स कमजोर थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 50-60 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाएंगे, लेकिन बाजार इस समय रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शुरुआती सत्र में थोड़े हिचकोले लगाए। आज 23,881 के लेवल पे ओपन हुए, 23,805 का लो लगाया और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं आया। आज पूरा दिन हम उतार चढ़ाव वाली मार्केट देख रहे थे क्योंकि आज एक्सपायरी का प्रेशर भी था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि निफ्टी पे 24,087 ये रिकॉर्ड लेवल आज के सत्र में हासिल हो गया। जी हाँ, 24,000 का लेवल भी बाजार पार कर गया है और जिसकी सबको उम्मीद थी कि इस सीरीज में 24,000 का स्तर पार कर जाएगा, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। तो बहुत ही गजब की चाल पिछले चार ट्रेडिंग सत्रों में मार्केट ने दिखा दी है। आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,044 के लेवल की, 175 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी से आज नहीं हो पाया, ये 10 बजे के बाद हमने चढ़ता देखा ही नहीं, लेकिन आज इसने रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। 53,180 का रिकॉर्ड लगाया था आज बैंक निफ्टी ने। फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 52,811 के लेवल पे बंद हुआ है 59 अंकों की गिरावट के साथ। सेंसेक्स 568 अंकों की तेजी के साथ 79,243 के लेवल पे हुआ है बंद। नए शिखर पे पहुंच गया मार्केट। रिकॉर्ड स्तर जो हासिल किए वो है आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी 24,087.45 ऐतिहासिक लेवल आज रिकॉर्ड स्तर लगाया। निफ्टी बैंक 53,180.75 का रिकॉर्ड स्तर लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। सेंसेक्स 79,396.03 का रिकॉर्ड स्तर आज हासिल करता हुआ नजर आया। तेजी में आज सेक्टोरल रोटेशन होती हुई नजर आई। बैंक्स का दिन नहीं था, आज था दिन आईटी का, जिसमें इंफोसिस और टीसीएस ने धूम मचा दी मार्केट में। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी चढ़ गया और बाजार खुलते ही जो लाइमलाइट में आया वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। गजब की चाल देखने को मिली और जाते जाते एनटीपीसी स्ट्रांग हो गया। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली L&T, HDFC बैंक, बजाज ऑटो, सन फार्मा, SBI, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एडवांसेस निफ्टी के थे 35, चढ़ने वाले थे 15। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि अगर ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे NSE में पूरा डेटा आज का, तो चढ़ने वालों की संख्या है 971, गिरने वालों की संख्या है 1,705, लेकिन फिर भी बाजार चढ़ गया आज के सत्र में। कंसंट्रेटेड मार्केट है, जब चलते हैं तो एक ही सेक्टर के शेयर ताबड़तोड़ चलना शुरू कर देते हैं। आज जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। जैसे ही बाजार खुला वैसे ही ऐसी गजब की खबर थी जिसका इंपैक्ट लगभग तय था कि आज होता हुआ नजर आएगा। इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सा खरीदेगा अल्ट्राटेक सीमेंट, ये खबर थी, और उसमें से आज दिन में 19.44% हिस्सेदारी तो खरीद ली 267 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे, और बाकी की हिस्सेदारी भी खरीदेंगे। कुल मिलाकर 23% के आसपास हिस्सेदारी खरीदनी है। वो क्या गजब भागा आज अल्ट्राटेक सीमेंट। आज के सत्र में 5.5% का उछाल इस स्टॉक पे देखने को मिला और इंडिया सीमेंट तो आज सबसे ज्यादा चमका है। कल भी तो तेज हुआ था इंडिया सीमेंट, खबर थी आज जिसके बलबूते आज भी चढ़ा इंडिया सीमेंट, और पीछे पीछे पूरा सीमेंट पैक ही आज तेज था। निफ्टी पे और जो स्टॉक चढ़े उसमें था LTIM 3.5% ऊपर, ग्रासिम का स्टॉक 3% चढ़ गया, NTPC 3% ऊपर और विप्रो 3% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में L&T, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर्स, डिविस लैब्स, HDFC बैंक, यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। FNO गेनर्स में इंडिया सीमेंट 11.5% की चाल दिखा गया, दिन के दौरान इससे भी ज्यादा तेज था। मन्नापुरम का स्टॉक आज 7.5% चढ़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 5% ऊपर, LTIM 4% ऊपर, OFSS लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में चंबल फर्टिलाइजर टूटा है 4%, PNB 4% नीचे, इंडियन होटल्स 4% टूटा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और गोदरेज कंज्यूमर 3.5% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में रूट मोबाइल 14% का इजाफा देखने को मिला, LG ब्रदर्स 12% चढ़ गया, इंडिया सीमेंट तो आज चमका है बहुत ही गजब 11.5% का उछाल। वर्लपूल 8% से ज्यादा चढ़ गया। खबर यहां पर यह थी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वर्लपूल कॉर्प, उसको खरीद सकती है बॉश। और अमेरिकन मार्केट्स में भी अगर आप देखो तो वर्लपूल का जो पिछले सत्र में जो रिटर्न था वर्लपूल कॉर्प का वो था लगभग 17% का, और भारतीय बाजार में आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसमें डबल डिजिट गेन दिखाई दिए थे, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई है और 8% के गेन्स के साथ वर्लपूल इंडिया आज बंद होता हुआ नजर आया। मैसडॉक 8% चढ़ा है। स्यूवेन फार्मा 7.5% चढ़ता हुआ नजर आया। कैपलिन पॉइंट लो था। टेक्समैको रेल 7.5% चढ़ते हुए नजर आया और थर्मेक्स भी 6% चढ़ा है। मिड कैप लूजर्स में IB रियल एस्टेट 6% से ज्यादा टूट गया। वैसे भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हाँ, यहाँ पर एक स्टॉक था लोधा रियल एस्टेट पैक में जो बहुत तेज चला है आज, बाकी कोई ज्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं इस पैक में। फिर उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर आज 6.5% नीचे आया। GR इन्फ्रा
5.25% टूटा है। आर्चिन केमिकल में आज एक ब्लॉक डील हो गई, उसका इंपैक्ट था 5% नीचे आ गया ये। इक्विटास बैंक, HCC, सनटेक, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। सीमेंट पैक शुरुआती सत्र में ऐसे धमाके के साथ खुलाना, ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट हिस्सा खरीदने जा रही है इंडिया सीमेंट में, इसकी जैसी खबर आई थी तो वैसे पता था इंडिया सीमेंट तो आज बहुत तेज चलेगा, वो तो हो ही गया। आज 11.5% का उछाल दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था। फिर अल्ट्राटेक तो आज निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया, 5.5% की चाल पकड़ गया। बाकी के जो स्टॉक्स थे तेज हो गए थे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा वसूली भी आती हुई नजर आई। जो पॉजिटिव बंद हुए हैं वो है ओरिएंट सीमेंट 4.5%, प्रिज्म जॉनसन 4%, जेके लक्ष्मी 3.25% चढ़ा है, जेके सीमेंट 2.5% चढ़ा, ACC करीब करीब 2% चढ़ा। लेकिन आप देखोगे इस सेक्टर में कई स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। IT सेक्टर आज बहुत तेज था, जिसमें LTIM सबसे तेज चला है 3.5%, विप्रो 3% ऊपर, परसिस्टेंट 2% ऊपर, इंफोसिस और TCS तो कमाल ही कर गए आज के सत्र में, 2-2% चढ़ गए, कोफोर्ज 2% ऊपर रहा और टेक महिंद्रा भी तेज हो गया। ऑयल एंड गैस प्ले में BPCL आज 2.5% चढ़ा है, पेट्रोनेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जाते जाते तेज हुए हैं, पेट्रोनेट इस स्टॉक में भी आज तेजी देखने को मिली 2.25% की। गेल, एजेस केमिकल, IGL, ऑयल, इन स्टॉक्स में तेजी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 1% चढ़ता हुआ नजर आया, रिकॉर्ड स्तर पर है। मेटल्स में आज जो स्टॉक तेज हुए हैं उसमें आज हिंजेंग 4% ऊपर, JSW स्टील 2% ऊपर, हिंडालको, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली वो थे APL, अपोलो, वेल्सपन कॉप, JSL, NMDC और हिंद कॉपर। ऑटोज में बॉश चढ़ गया आज 4.5%, और जैसे मैंने बताया कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जो खबर आ रही है, इन दोनों ही कंपनियों की पेरेंट कंपनियां जो हैं, बॉश लिमिटेड की और वर्लपूल इंडिया की जो पेरेंट कंपनियां हैं, उनमें किस तरीके से ये डील होती है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बॉश लिमिटेड भी चला है आज, वर्लपूल भी चला है और फोकस इंटरनेशनल मार्केट्स पे इन दोनों ही कंपनियों पे है। बॉश लिमिटेड आज 4.5% चढ़ा है, मदरसन 2% चढ़ा, टाटा मोटर्स 2% चढ़ा, M&M, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। जो गिरावट थी उसमें था TVS मोटर और आयशर मोटर। PSU बैंक से हो ही नहीं पा रहा, अभी PSU बैंक इस सीरीज में अंडर परफॉर्म कर गए हैं, लेकिन अगली सीरीज से फिर से एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हो जाएगी। PNB 4% नीचे आया आज, बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे आया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, PSB, इंडियन बैंक, यहां पर दबाव था और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी दबाव था, जिसमें दीपक फर्टिलाइजर 6.5% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 4% नीचे, RCF, GNFC 3% टूटते हुए नजर आया और NFL भी 3% टूटा। IPO मार्केट में विराज आयरन एंड स्टील का IPO कल बंद हो जाएगा, अब तक 18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड 195 से 207 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, इश्यू साइज है 171 करोड़ रुपए का। एलाइड ब्लेंडर्स का IPO आज बंद हो गया, कुल मिलाकर 24.8 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, 267 से 281 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, इश्यू साइज है 1500 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का OFS। अब आगे क्या होगा, कंसोलिडेशन हो सकती है मार्केट में, क्योंकि ऐसी गजब की चाल है, वन वे ट्रैक पे भागते चले जा रहे हैं। आप अगर 4 जून के निचले स्तर से देखोगे, जी हाँ, ये इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए थे तब मार्केट पे जो पैनिक लो लगा था, मार्केट पे निफ्टी पे लगा था 21,281.45 का लो, वहां से अब तक की जर्नी हो गई है 2,763 अंकों की निफ्टी पे, यानी कि 13% का उछाल आ चुका है। बैंक निफ्टी 4 जून को जो निचला स्तर छू के गया था वो था 46,077.85, वहां से अब तक देखोगे तो 6,733 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, यानी कि 14.5% का रिटर्न मिल चुका है, 13% 14.5% ऐसी गजब की चाल है। और सिर्फ और सिर्फ संस्थागत निवेशकों की खरीदारी की वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स का जलवा है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों से देखो आप वन वे ट्रैक पे भागते चले गए, 4 सत्रों में तो बहुत ही एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। डेटा में ये बताता है कि 24 जून को निफ्टी 36 पॉइंट चढ़ा, 25 जून को निफ्टी 183 पॉइंट ऊपर, 26 जून को निफ्टी 147 पॉइंट ऊपर, 27 जून यानी कि आज के सत्र में निफ्टी 175 पॉइंट चढ़ गया। बैंक निफ्टी तो जो कमाल करके गया है, वो तो खैर पहले ही बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन हम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जो देख रहे हैं वो है 42 पॉइंट्स ऊपर 24 जून को, फिर बैंक निफ्टी 25 जून को दे गया 902 अंकों का उछाल, 26 जून को 264 अंकों का उछाल और 27 जून को 59 अंकों की आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले का भी आंकड़े देखोगे तो आंकड़े पॉजिटिव ही है, हम तो सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो बाजार पे बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच ऑलरेडी आ चुका है। अब 4 सत्रों में BSE कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 2.8 लाख करोड़ रुपीस बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसी गजब 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप बढ़ गया 4 सत्रों में। तो ऐसी जोरदार तेजी जिसमें लार्ज कैप्स का बोलबाला हो, कंसंट्रेटेड मार्केट हो, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच हो, जैसे कि पहले निजी बैंक्स चले, फिर रिलायंस इंडस्ट्री चढ़ा, फिर IT स्टॉक्स में एकदम से तेजी देखने को मिली, तो ऊपर के लेयर है जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वहां पर बहुत तगड़ी खरीदारी हुई, तो पीछे के कैसे अब
जो रह गए हैं, जो पीछे के स्टॉक्स निफ्टी के, वहां पर हो सकता है पोजीशंस बनती हुई नजर आए, सेक्टोरल रोटेशन होगी और बाजार में नई सीरीज पे फोकस मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा रहेगा। अब कुछ ऐसी कंपनियां चलेंगी जिसपे बजट की एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है अब नई सीरीज की तैयारी करेंगे। जून सीरीज में तो क्या गजब की रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी, और वो दिन भी याद आता है 4 जून का, जब एकदम से पैनिक लो लग रहा था, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन वहां से यहां तक की जर्नी बहुत स्ट्रांग थी, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स लगते हुए नजर आए। आज यूएस में Q1 GDP के आंकड़े आएंगे, उन पर फोकस रहेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हम बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच के बाद अब इन स्तरों पर थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, और इंडेक्स भले ही अगर एक रेंज में फंस जाए लेकिन स्टॉक्स बहुत हैं, मार्केट पे बुल्स की पकड़ बहुत है, कोई डिप आ गई, एक हल्की सी करेक्टिव वेव भी आ गई तो उसमें भी खरीदारी का मौका ढूंढें। फिलहाल बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है ठीक है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।